नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैला आंचल उपन्यास का हम संक्षिप्त सार पढ़ने वाले हैं। इस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें इस उपन्यास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इस उपन्यास का उद्देश्य आंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने का रहा है। इसमें आंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है, जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीतिक मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। वास्तु और शिल्प दोनों के आधारों पर यह उपन्यास सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास का नायक कोई नहीं है, बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। वहाँ के विशेष पर्व त्योहार, रीति रिवाज और सोच को भी इस उपन्यास के बारे में दर्शाया है। कहाँ की? मेरीगंज की। तो आइए, जैसा कि अभी हमने देखा कि उपन्यास के कोई भी महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, तो इसमें से फिर भी कुछ पात्रों के नाम को हम देखते हैं। डॉक्टर प्रशांत एक युवा पात्र है, जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस गांव में इलाज करने के लिए आता है। कमली एक नारी पात्र है, जो कि अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। विश्वनाथ मालिक कमली के पिता है, जो कि एक जमींदार है। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी मलेरिया और कला पर शोध करने के लिए मेरीगंज गांव में ये रुकते हैं। मलेरिया केंद्र खुलने से संपूर्ण गांव में हलचल मच जाती है। लोगों में अंधविश्वास को लेकर बड़ी आस्था दिखाया गया है। इसमें झाड़ फूक, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि पर विश्वास दिखाया गया है। जाति व्यवस्था का भी बोलबाल दिखाया गया है। कमली एक कोमल हृदय वाली स्त्री है, जो अपने अभिभावकों को किसी भी कष्ट में नहीं डालना चाहती। कमली के पिता विश्वनाथ मालिक गांव के जमींदार हैं। बाद में ये जमींदारी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। विश्वनाथ मालिक के चरित्र में द्वंद्व दिखाया गया है। नेता होने पर गंभीर होते हैं, वहीं घर पर एक हशूर और समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। इनके दोहरे चरित्र व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। मैलांचल में संपूर्ण समाज जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और जातिगत झगड़े आम बात हैं। जातिगत शक्ति संतुलन भी सामाजिक संरचना ही करता है। यहाँ पर प्रत्येक जाति का अपना अलग अलग टोला है, और दलितों के टोले में स्वर्ण तभी जाते हैं जब उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होता है। छुआछूत का वातावरण है। भंडारे में सब जाति के अनुसार बैठ के खाते हैं। भंडारे में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग पंक्तियों में बैठकर खाते हैं। कथानक में कई कथाएं हैं। चरित्र प्रायः स्वाभाविक है। चरित्र परिवर्तनशील है। भाषा सृजनात्मक और प्रयोगशील है। मैला आंचल की कथा वस्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दो वर्ष पहले से लेकर उसके लगभग एक वर्ष बाद तक की कथा है, यानी महज 3-4 वर्षों की कथा वस्तु इस उपन्यास में ठहरती है। परंतु इसका मुख्य कथानक स्वतंत्रता प्राप्ति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मेरीगंज से जुड़ा हुआ कथा है, जिसके अलावा अन्य कथा वस्तु में मेरीगंज के आसपास के इलाके भी जुड़ी है। जिस प्रकार से
कोई किसान बाजार करने के लिए कस्बे हाट में जाता है और शाम होने पर गांव लौट आता है। उसी प्रकार से मेरीगंज एक बड़ा गांव है और बारहों वर्ण के लोग उस गांव में रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है, बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा हो जाते हैं। मेरीगंज गांव की सामाजिक आर्थिक संरचना की बनावटी भी साफ साफ दिखाई पड़ती है। गांव में तीन जातियों के लोगों की प्रमुखता है, जिसमें है कायस्थ, राजपूत और यादव। तीनों जातियों के लिए अलग अलग टोले हैं। ब्राह्मणों का भी अलग टोला है, पर इनकी संख्या कम है। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। इसके बीच ब्राह्मण तीसरी शक्ति की भूमिका पूरी करते रहते हैं। मेरीगंज की सारी जमीन पर लगभग तीन व्यक्तियों का आधिपत्य है। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद मालिक, राजा बारबंगा के तहसीलदार और 1000 बीघे के काश्तकार हैं, जो शेष ग्रामीणों के पास अपनी जमीन नामात्र की है। वे या तो खेतिहर मजदूर है या बटाईदार है। सारे मेरीगंज में केवल 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का अर्थ है दस्तखत करने के से लेकर तहसीलदार करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या 15 से 20 है। मेरीगंज की सामाजिक आर्थिक संरचना का बाहरी ढांचा है, उसके भीतर का सबसे तीखा सच जिससे उजागर करना ही इस उपन्यास का लक्ष्य है। बहुसंख्य ग्रामीणों का आर्थिक विपन्नता, बदहाली, अत्यंत पिछड़ी मानसिकता, अंधविश्वास ग्रस्तता आदि इस उपन्यास में देखने को मिलता है। महिला अंचल उपन्यास में गांव में गरीबी शुरशा की तरह मुंह को फैलाए हुई है, जो अनेक ग्रामीणों को डकार चुकी है। हालात इतने पतले हैं कि कोई रोग हो जाने पर ग्रामीणों के लिए दवा का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। दो बूंदों वाली आई ड्रॉप के लिए पैसे न जुटा पाने के कारण लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाता है। कई ग्रामीण कालाजार, मलेरिया, पिलही, पायरिया, गठिया इत्यादि रोगों के शिकार हैं। बच्चे रोग से सही निदान और दवा के अभाव में देखते देखते आँख मूंद लेते हैं। उनका इलाज किसी डायन पर मढ़ दिया जाता है। अक्सर यह डायन गांव की कोई गरीब असहाय बाज या विधवा औरत होती है। महिला आंचल में डायन संबंधी अंधविश्वास और इनके अमानवीय पहलू पर बड़ा मार्मिक और रोमांचकारी अंकन हुआ है। गांव वालों ने पार्वती की मां को डायन घोषित कर रखा है। ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार और अत्याचार की शिकार है पार्वती की मां। गांव में अंधविश्वास अनेक रूपों में फैला हुआ है। पूरा मेरीगंज अंधविश्वास में जी रहा है। अगर किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसे प्रेतनी की करतूत बताया जाता है। मार्टिन साहब के खंडहर को लेकर भी लोगों में अंधविश्वास की कमी नहीं है। कमला नदी को लेकर भी लोगों में अनेक मिथक और रूढ़ियां प्रचलित है। मलेरिया सेंटर की दवाओं का निर्माण गाय के खून से होना बताकर तथा सुई भूखकर जहर देकर मार डालने की बात ब्राह्मण समाज के सतखंडवा कर पर चढ़ चढ़ कर जोर जोर से बताया कि अंधविश्वास को ही मजबूती दी और यह असाध्य और अज्ञानता की ओर ले जाती हुई गांव का अनपढ़ और मूर्ख ज्योतिष अस्पताल के विरुद्ध तरह तरह के को प्रचार करता है। पार्वती की मां को डायन का खिताब देने वाला ज्योतिष ही है। भूत प्रेतों पर गांव वालों के अटल विश्वास के साथ गांव वालों को बताता है कि भूत प्रेत पर सवार आदमी के पीछे खैनी तंबाकू मांगता है। इसके अनुसार डाकिन के पाँव उल्टे होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग प्रांतियाँ लोगों में भरी पड़ी है। गांव अशिक्षा और अंधविश्वास के दलदल में डूबा हुआ है, जिससे उनका निर्धन और अविकसित होना स्वाभाविक है।
पूरा पूरा गांव, गांव की तहसीलदार, मुखिया या कोई दूसरा चालाक व्यक्ति है, उसी के अंदर में है। मेरीगंज की तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, रामकिरण सिंह और खिलानवन यादव जो है, वो ग्रामीणों की इस दयनीय और शोषित दशा का लाभ उठाकर गांव की पूरी ज़मीन के मालिक बने हुए हैं। शेष ग्रामीण उनकी गुलामी करते हैं। इस गरीब और अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि का कारण सदियों से चली आती सामंती और ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है, जिसका लाभ जमींदार और करिंदा तहसीलदार, चतुर ब्राह्मण और कुछ भूमिधर किसान उठाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के ग्रामीण अंचलों का यही सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक यथार्थ था, जिसे रेणु जी ने प्रस्तुत किया है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह से स्वतंत्रता की नींव बहुत पहले रख दी थी, जिसका प्रभाव धीरे धीरे भारत के गांवों में दिखने लगा था। बावन दास, चुन्नी गोसाई, बलदेव आदि सुराजी बन जाते हैं और जेल जाते हैं, तरह तरह की तकलीफों का सामना करते हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आने लगता है। बलदेव मेरीगंज लौट आता है और अपने सुराजी जीवन के अनुभवों की पूंजी पर जीने लगता है। राशनिंग होने पर मुराजी सुराजी होने की कीमत के रूप में उसे कपड़ा, तेल और चीनी की पूंजी काटने का काम मिल जाता है और धीरे धीरे उसका चारित्रिक पतन होने लगता है। राजनीतिक अधिकार मिलते ही स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों का किस तरह से चारित्रिक पतन होता है, इसे बलदेव का चरित्र पूरी तरह से उद्घाटित करता है। शहर के कांग्रेसी नेता गांव में बलदेव के प्रभाव का फायदा उठाते हैं। थोड़े ही दिनों में जब गांव में बलदेव का प्रभाव घट जाता है, तो जिला स्तर के नेता उसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकते हैं। कांग्रेस में पनपते भ्रष्टाचार और उनके जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध में साम्यवादी और समाजवादी पार्टियां उभरती है। उपन्यास में मेरीगंज को अखिल भारतीय राजनीति मंच का लघु रूप बना दिया गया है। मेला अंचल का केंद्रीय कथ्य एक पूरे ग्राम अंचल का यथार्थ है। यह आंचलिकता की पहचान होती है कि कथा में कोई भी केंद्रीय पात्र या नायक प्रधान न होकर नायक के रूप में समग्र गांव ही नायकत्व प्रदर्शित करता है। मेला अंचल में रेणु ने मेरीगंज के नायकत्व को समग्रता प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। आंचलिकता किसी एक तत्व में प्रदर्शित नहीं की जा सकती, इसी कारण रचनाकार को कथा वस्तु में अनेक तत्वों का उद्घाटन करना पड़ता है, जिसके कारण उपन्यास किसी एक उद्देश्य को प्रदर्शित करने के बजाय अनेक निष्कर्षों को प्रदर्शित करता है। मेला अंचल में मेरीगंज के राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि मुद्दों के अलावा अन्य कई अनछुए पहलुओं को भी उजागर किया गया है। उपन्यासकार ने दिखाया है कि डॉक्टर प्रशांत और कमली में सात्विक प्रेम पल्लवित हो रहा है, तो दूसरी ओर मेरीगंज में विद्यमान मठों पर रहने वाले महंतों का चारित्रिक पतन होता जा रहा है। मठ वैश्यावृत्ति के चकले बन गए हैं और वहाँ की सेविकाएं महंतों और संतों की रखेल बन गई है। इस उपन्यास में भाषा और रूप विधान में नयापन तो है ही, आज़ादी के बाद के भारत के मिजाज को व्यक्त करने वाला यह पहला उपन्यास है। आज़ादी के बाद बदलते हुए गांवों की तस्वीर और इनके बीच गांधीवादी बावन दस की शहादत ध्यान देने योग्य है। रेणु का विश्वास है कि घृणित कार्य, अश्लीलता, पशुता पर मंगल कामना का जयघोष गूंजने और एक दिन आंसू से भीगी हुई धरती पर प्रेम के पौधे लहराएंगे और मेला अंचल रोती हुई भारत माता की आंखों में आंसू नहीं होंगे
अपितु अधरों पर मुस्कान होंगे। उपन्यास के शीर्षक मेला अंचल भी बहुत सटीक और प्रतीकात्मक है। रेणु ने मेला अंचल में इस मेले अंचल वाले ग्रामवासिनी भारत माता की दैन्य प्रतिमा को सजीव बना दिया है।